I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अरे मैं कंफेशन के लिए आया हूँ। Yes. फादर, आज मैंने अपने स्कूल की किताबें भेज दी। What? स्कूल की किताबें भेज दी? फादर, सड़क पर एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। उसके कफन के लिए मैंने किताबें भेज दी। लेकिन बेटे, तुम्हारा नहीं था। तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी। क्या? नहीं नहीं फादर, अपन पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। अपन थोबड़े से फंदेबाज लगता है, पन अपन है नहीं। अपन उधर जाएगा तो वो लोग उल्टा अपन को पकड़ के बंद कर देगा। बंद कर देगा तो अच्छा हो। कैसा बात करता है फादर, वो लोग अपन को ले जाएगा तुमको अच्छा लगेंगे? और नहीं तो क्या। आज दिन तुम लोगों को पकड़ कर बीच सड़क पर मारते रहते हो। किसको मारा अपन ने फादर? ना कल ही एक आदमी को मारा तुमने। कौन? वो पीटर। अरे उसका बात मत करो फादर। एक तो वो बिना लाइसेंस के गंदा दारू बनाता है, ऊपर से नौसादर मारता है, फिर गटर का पानी मिलाता है। 20 बरस में मरने वाला आदमी 2 बरस में मर जाए। तो तुम कौन सा अमृत बेचते हो? अरे दारू तो अपन भी बनाता है फादर, लेकिन अपन के पास लाइसेंस है, एकदम प्योर माल। कभी अपन का दारू पीने आओ ना, देखो कितना मजा आता। सॉरी, तुम काहे को पिएगा दारू? देखो एंथोनी। यस फादर। मैं एज ए प्रीस्ट नहीं बल्कि एज ए गार्जियन तुमसे कहता हूं कि तुम ये धंधा छोड़ दो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेन कराए फिर तुम एक काम करो, आप उनके साथ साथ इसका भी कंप्लेन करो। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? ठीक तो बोलता है फादर। देखो अपन जो कुछ कमाता है 50% इसका पेटी में डालता है कि नहीं? उसका पेटी में डालकर तुम उसको रिश्वत देता है? अरे फादर, अपन कौन होता है इसको रिश्वत देने वाला? देखो फादर, वो जो अपन को देता है उसमें से 50% हम उसका पेटी में डालता है गरीब लोगों के पास। ये अपन का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? गरीब लोगों का फिक्र उसको भी है, अपन को भी है कि नहीं? बोलो है कि नहीं फादर? है नहीं बोलेगा? नेवर माइंड। एक ना एक दिन तुमको हाथ बुला कर दिया जाएगा फादर। एंथोनी भाई, बाहर एक्सीडेंट हुआ है। ये हुआ कैसे? एक गाड़ी वाला है इनको धक्का मार के न जाने की तरफ चला गया। अरे तो मुंह क्या देखता है, टैक्सी बुलाओ ना। हेलो पुलिस स्टेशन। आप एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किसका? एक औरत का साहब। कहाँ ले गए उसे? नानावती हॉस्पिटल। नानावती, ठीक है मैं पहुंचता हूँ। अल्लाह रहम। ये झूठ मूठ का आई मत करो, अब जाओ यहाँ से, तुम बिल्कुल ठीक हो। जी आपका ये आला बिगड़ा हुआ है, जरा सीने पर सर रखकर कान लगाकर सुनो, अंदर से यही आवाज आएगी। दर्द दिल, दर्द कमर, दर्द जिगर, दिल मेरा दर्द का गोदाम बन कर रह गया। लगता है आजकल तुम्हारी कवाली के शौक कम हो गए, इसलिए रोज मरीज बनकर हॉस्पिटल चले आते। माफ कीजिएगा हुजूर, आज आपका ये मरीज दर्द दिल का इलाज कराने ही नहीं, आपको अपनी कवाली के लिए खास दावत देने के लिए भी आया है। ये अच्छा तरीका दावत देने का, तो फिर और क्या करें? तुम डॉक्टर हो, बीमारी का बहाना बनाए बगैर यहाँ आ नहीं सकते। बाहर मिलो तो तुम्हारे अब्बा उसको डंडा लेकर मारने को दौड़ते हैं। आज शाम को भी यही होगा। पहले तो अब्बा जान तुम्हारी कवाली के लिए राजी नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो खुद तो आएंगे ही, और साथ में पूरी पलटन। डॉक्टर, उन दो आदमियों का खून भी उस औरत को कम पड़ रहा है, और भी खून की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस वक्त आरज का खून कहाँ से मिलेगा? अच्छा हम चलते हैं, ये रहा तुम्हारा कार्ड, शाम को मुलाकात होती है क्या? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सुनो अकबर। सुनो सुनो। नहीं जाऊँ क्या? तुम्हारा खून में तो आरज का है ना? अजी हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, अगर आपके अब्बा मेहरबान हो तो बहुत जल्दी ग्रुप बन जाएगा क्या? अच्छा सुनो, तुम मेरी खातिर उस औरत को अपना थोड़ा सा खून दे सकते हो। आपकी खातिर? अजी आपकी खातिर खून तो क्या, ये बंदा आपके लिए जान भी दे सकता है, आप हुक्म तो कीजिए। नर्स, तुम इन्हें ले चलो और खून देने की तैयारी करो। ओके आइए। चलिए चलिए। क्या नाम है इन लोगों का? इनका नाम है अमर, अकबर, अकबर, एंथोनी। मुझे 2 साल तड़ी पार क्या कर दिया? नहीं साथ को सलाया का दादा बन गया, और किधर एंथोनी? नहीं बाप। रघु, ये बचेला बाटली भी फोड़ डाल,
और 780 रुपए उठाने का हिसाब भर दे। तू यहाँ कब से अंतुनी नगर बना डाला है? अरे पुलिस तेरे को तड़ी पार करके जामनगर फुटा डाला, अपन इधर एंथनी नगर बना डाला, बोल है कि नहीं? नहीं बोले। चले बाटली फोड़ो, माल निकाल। मुझसे माल लेगा है? अबे तेरे से तो क्या, तेरे बाप से भी माल लेगा। कचरे को कचरे के साथ डाल देना कचरे की नाली में। जय जय सुभान अल्लाह अंतुनी भाई, सुभान अल्लाह। शहर साफ करो के पहले नारे के साथ ही तुमने बस्ती की सारी गंदगी दूर कर दी। बहुत अच्छे, अल्लाह करे इन बाजुओं का जोर बढ़ता जाए और शहर के सारे गुंडों का जोर घटता जाए। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम है किधर आजकल, दिखता ही नहीं। अरे क्या करे अंतुनी भाई, कव्वाली की तैयारियां कर रहा था, पास लेने तक का वक्त नहीं मिला। आज शाम अपनी कव्वाली का स्पेशल प्रोग्राम है, उसके लिए मैं तुम्हें दावत देने आया हूँ। ये लो तुम्हारा कार्ड, भाईजान आओगे ना? अरे ऑफ कोर्स आएगा यार, तेरा कव्वाली और अपुन ना आए? तेरा टिकट विकेट बिकल आए कि नहीं? तो अपुन को बोल, अपुन फटाफट भेज डालेगा। अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल हाउसफुल है भाईजान। अरे वेरी गुड वेरी गुड, मगर कव्वाली में तशरीफ जरूर लेके आना। तो ये गुदी टिकट ब्लैक में मत भेज देना, बहुत डिमांड है। क्या ऐसा? क्या ऐसा? माजी आप? तो अकबर है बेटे? हाँ मैं अकबर हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा उस दिन तूने खून देकर मेरी जान बचाई, मैं और कुछ तो नहीं दे सकती, अपनी शुभ कामनाएं देने आई हूँ। ये तेरे लिए फूल ले आई हूँ। है नसीब, ले अपने हाथों से ये फूल मेरी कलाई पर बांध। और माँ तेरी दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह आज भी कामयाबी मेरे कदम चूम करेगी। बेटा भगवान तुझे कामयाबी दे। चला माते सुनो, एक टिकट मिलेगी? कोई टिकट नहीं माई, सब खत्म हो गई। अच्छा सुनो भाई, अरे सुनो भाई, एक टिकट मिलेगी? नहीं माँ जी, कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं। अरे भाई एक टिकट मिलेगी। अरे माई तुम इधर गर्दी में क्या करता है? तुम कौन हो? अरे अपुन एंथनी, एंथनी गोंसाल्वेस। बेटा तू? हाँ, तुम इधर क्या करता है माई? अकबर को फूल देने आई थी, सुना है बहुत अच्छा गाता है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। ऐसा क्या, तो चलो ना अपन तेरे को लेके जाता है, चल। लेकिन ये लोग बोलते हैं टिकट खत्म हो गई। टिकट खलास हो गया? अरे कोई बंदा नहीं माई, अपन के पास देखो स्पेशल पास है, हाँ? तुम इधर टिकट पे बैठ जाना, अपन तेरे पाँव के पास बैठ जाएगा। चल चल बाजू हट रे भाई, बाजू। यस सर। आजकल हाईवे पर एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती,
बाद में वो और उसके साथी उसको लूट लेते हैं। लड़की? हाँ, ये एक फोटोग्राफर है, आज ये उसका शिकार बन गया, लेकिन जाते जाते इसने उस लड़की का फोटोग्राफ ले लिया। देखिए, किसी ने मेरा पर्स मार दिया, पर्स में जाने तक के पैसे नहीं है। आप मुझे अगली क्रॉसिंग तक लिफ्ट दे सकती हैं प्लीज? आइए बैठिए। थैंक यू। आप रहते कहाँ हैं? अपने एक नहीं, बहुत सारे घर हैं, कोरिवली, कांदिवली, चांदिवली, लालबाग, भिंडी बाजार, और भी कई घर हैं। चलिए तो आपके घर चलने को भी तैयार हूँ। ओह, इरादा तो नेक है लेकिन घर नहीं। आदमी समझदार लगती हो। चलिए, जगह मैं बताती हूँ। लेकिन अगर पुलिस आ गई तो? बहुत डरते हैं आप। जी हाँ, मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ पुलिस नहीं आएगी। तो ठीक है, चलो इसी बहाने वो जगह देख लें जहाँ पुलिस नहीं आती। आइए ना। यहाँ आइए तो सही, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आइए। ए, क्या कर रही हो? निकाल सारे पैसे वरना शोर मचाऊंगी कि ये आदमी मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे ये क्या बदतमीजी, निकालता है या शोर मचाऊं? अरे मचाओ, शोर मचाओ, ये बात है। हाँ हाँ मचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ बहन? ये आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहता है। शक्ल सूरत से तो बड़ा शरीफ आदमी लगता है, ऐसी गंदी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे देखो, सूट बूट पहन के एक शरीफ लड़की की इज्जत लूट रहा है, मेरा ख्याल से पुलिस स्टेशन ले चलते। चला पुलिस स्टेशन। एक मिनट, पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है क्या? मामला यही पटा दीजिए ना। तो फिर ठीक है, जितना माल है वो निकाल दो, मैं मामला यही पटा देता हूँ। ये लो पुलिस, भागो। सबको गिरफ्तार कर लो। तुम भागी नहीं, तुम्हें गिरफ्तार होने का ज्यादा शौक है क्या? गिरफ्तार ही कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, जिल्लत की जिंदगी से तो छुटकारा मिलेगा। क्या ये काम तुमसे जबरदस्ती करवाया जाता? मैं यतीम हूँ, एक बूढ़ी दादी के अलावा मेरा कोई नहीं, मेरा सौतेला भाई और सौतेली माँ मुझसे ये काम करवाते हैं, वरना मारते हैं, भूखा रखते हैं। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, या किसी भी तरह इस जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा दे दीजिए।
अच्छा हो मेरे साथ। मामा भैया को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या कहा? मेरे बेटे को फंसाकर तू यहाँ भाग रही है? शेषम, इसीलिए तो कहती थी मुझसे जबरदस्ती ये काम मत करवा। मुझसे जबरदस्ती ये काम मत करवाया करो। जानकी तेरे बाप ने तेरा नाम लक्ष्मी क्यों रखा था? ताकि जब जिस वक्त तुम इस घर में कदम रखो लक्ष्मी लाया करो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जाओ, किसी भी हालत में उसको छुड़ा के ले आओ। कैसे छुड़ा के लाऊं? मेरे पास जमानत के लिए पैसे भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती तो किस तरह लाएगी पैसे, क्या करेगी, झट पट कुछ भी कर। जमानत के पैसे? अबे ओ बुढ़िया, अबर में टांगे लटकाई बैठी हो लेकिन जेवर का शौक अभी तक नहीं गया। चल निकाल इन्हें जल्दी से। नहीं, ये मैंने लक्ष्मी के यहाँ के लिए रखे। तुम्हें नहीं देंगे। अगर लक्ष्मी जैसी लड़कियों की शादी होना शुरू हो जाए तो कोठों पे ताले लग जाएंगे। चल बुढ़िया, चुपचाप निकाल के दे रहे, अच्छी तरह से निकाल के दे रहे, अब कानों के समय छेड़ देंगे। अरे चल, अरे आई छुड़ाने वाली। सब सुन लिया मैंने, छोड़ दो इन्हें। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर अमर खन्ना। क्या पुलिस? तुमने इनको बुलाया है? तुम्हें जेवर पहनने का बहुत शौक है ना? इससे अच्छे जेवर और कौन से मिलेंगे? क्या आप क्या कर रहे हैं सास? आपको गलत फहमी होगी बेटी, तुम ही इनको समझाओ ना। हम इनसे चार आदमी है, आप इनसे पूछिए ना, हम इनको कितना प्यार करते हैं। माँ जी आप ही समझाइए ना। मैं सब समझ चुका हूँ, ले जाओ इसे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या धोखेबाजी है मेरे साथ? मैं सबको देख लूंगी। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा, मुझे अपनी परवाह नहीं लेकिन इसके लिए डरती हूँ। रणजीत छूट कर आएगा तो अपना और अपनी माँ का बदला इससे लेगा, बहुत जुल्म करेगा इस पे। घबराइए नहीं माँ जी, वैसे तो रंजीत अभी तक पकड़ा नहीं गया लेकिन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाता सीआईडी इस घर पर 24 घंटे नजर रखेगी। आप इस घर में आराम से रहिए। लेकिन ये घर हमारा नहीं, उन लोगों का है। कई महीने से उन लोगों ने किराया भी नहीं दिया, मकान मालिक ने नोटिस दे दिया। तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए। कहाँ? मेरे घर। जी जी का बच्चा, तो टके का आदमी होकर लाखों टके का माल किरा दिया। तुम? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी? पत्ता महेश, जूता खराब कर दिया, साफ करो जल्दी। अच्छी तरह साफ करो, छह मकान चाहिए, क्या कल देखना चाहिए? मेरी बेटी कहाँ? बेटे? कौन सा बेटे? उस राज्य से तुम उठा कर ले गए थे। हमें कुछ याद नहीं। याद करो, प्लीज याद करो, उस राज्य में सोया हुआ था। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।